इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देते हुए पार्टी इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक करवाने में नाकाम रही और इंतखाबी निशान रखने की अहलियत खो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करने का ऐलान किया है। पार्टी तर्जुमान ने अपने बयान में फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के जरिए मुल्क में दस्तूर जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत को खाक में मिलाने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में दस्तूर से इनहराफ के जारी मकरू अमल में कलीदी सहूलतकार है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अपने आज के फैसले के जरिए इलेक्शन कमीशन ने मकरू लंदन प्लान के आखिरी हिस्से को नाफिज करने की जानिब कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के जरिए साबित कर दिया कि इसे साफ शफाफ इंतखाबात में दिलचस्पी है, ना ये इसकी तरजीहात का हिस्सा है। तर्जुमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि कमीशन के ये जानिबदाराना और मुतसबाना फैसला अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकता, इसे आला अदालत के रूबरू चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती है। हाईकोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया तो बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा, जबकि हाईकोर्ट से रिलीफ ना मिलने की सूरत में पीटीआई के पास सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऑप्शन मौजूद रहेगा। इस सूरत हाल पर पिलडॉट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने बताया कि पीटीआई के पास अदालत से रजू करने के अलावा अपने किसी इत्तेहादी जमात का टिकट अपने उम्मीदवारान को जारी करने का ऑप्शन भी मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि अगर पीटीआई अपनी किसी इत्तेहादी जमात का टिकट अपने उम्मीदवारों को अलॉट कर दे तो वो वोटर्स के लिए ये मुल्क भर में एक निशान पर मुहर लगाने की मुहिम चलाई जा सकती है। दूसरी सूरत में पीटीआई के उम्मीदवारों को यकसा निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानात के साथ हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को शाया करेगी। पीटीआई के पास 13 जनवरी से कबल अदालत से रिलीफ लेने या कोई और हिकमत अमली अपनाने का वक्त मौजूद है।